प्रयागराज में 1971 के स्वर्णिम विजय वर्ष का प्रतीक चिन्ह के रूप में आई विजय मशाल का आखिरी दिन था। कल यह मशाल दिल्ली के लिए रवाना कर दी जाएगी, जिसके चलते आज प्रयागराज के सरस्वती घाट में सेना द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का प्रस्तुतीकरण किया गया। इस कार्यक्रम में सेना द्वारा जहां एक और बैंड और ऑर्केस्ट्रा के सहायता से आए हुए लोगों का मन मोह लिया गया, वहीं नेशनल कैडेट कोर की महिला प्रकोष्ठ की कैडेट्स द्वारा गायन और देहरी नृत्य द्वारा दर्शकों का मन मोह लिया गया। आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा देशभक्ति के गीत से जहां 1971 के युद्ध में शामिल हुए पूर्व सैन्य अधिकारियों का मन मोह लिया गया, वहीं 39 गोरखा रेजिमेंट के जवानों द्वारा खुखरी डांस कर आए हुए लोगों में एक रोमांच पैदा कर दिया। इस विषय में जानकारी देते हुए एयर कमोडोर सुनील गंगाखेड़कर जनसंपर्क अधिकारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल मध्य वायु कमान के कमांडिंग ऑफिसर AOC NCR 0J0 डकवर्थ रहे। कार्यक्रम की क्षमता काफी अद्भुत और निराली रही और इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सेना बोर्ड क्लब और जल पुलिस के जवानों द्वारा पानी के अंदर बनाए गए वाटर पिरामिड रहा। विजय मशाल को पानी के रास्ते सरस्वती घाट तक लाया गया, जहां GOC पूर्वी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सब एरिया डिवीजन द्वारा मुख्य अतिथि को मशाल सौंपी गई। बस उनके पहुंचे से पहले ओके Bye.
छोड़ा। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप जैसा योद्धा आज हमारे बीच उपस्थित है। घाट पे कार्यक्रम था जिसमें स्वर्ण मशाल को लेकर आया गया और यहाँ पे मिलिट्री ने अपना पूरा ऑनर गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। क्या है पूरा कार्यक्रम और किस तरीके से कार्यक्रम हुआ, किस तरह कौन चीफ गेस्ट रहे और किस तरीके से कार्यक्रम हुआ? आज की शाम काफ़ी पावन शाम मैं कहूँगा, क्योंकि आज स्वर्णिम विजय वर्ष मशाल आज सरस्वती घाट पर यहाँ पर अवतरित हुई है और यहाँ पर आर्मी के द्वारा, पुलिस के द्वारा और जो राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसमें एनसीसी के बच्चों ने, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने और दूसरे बच्चों ने भी काफ़ी यहाँ पे बढ़ चढ़ के भाग लिया। रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया, गोरखा डांस भी यहाँ पे यह पेश किया गया। आज के कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि हैं वो है एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आरजे डकवत, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, AOCNC सेंट्रल एयर कमांड, और साथ में हैं मेजर जनरल आरजे बैंसला जिन्होंने यहाँ पर जो हमारे पूर्व सैनिक हैं एयर मार्शल के साथ उन्होंने उनका अभिवादन किया, उनका वंदन किया और उनका सम्मान किया गया। सर, इसका मुख्य आकर्षण जो था वाटर रैली करते हुए मशाल को लाना, ये किस तरह का एक अचीवमेंट, नया अचीवमेंट माना जा रहा है? ये एक बहुत ही मनोरम दृश्य था और जिस गर्व के साथ में ह्यूमन पिरामिड बोट के ऊपर बनाकर नेवी के, बोट क्लब के, पुलिस के और प्रशासन के व्यक्तियों ने, नौसैनिकों ने यहाँ पर नाव चलाकर मशाल को वहाँ पर, जहाँ पे मशाल को पोजीशन करना था सरस्वती घाट में, वहाँ पे लाया और उसके आगे बैंड, आर्मी का बैंड भी चला है। इतना मनोरम यहाँ पे दृश्य है और देशभक्ति की भावना से पूरा समा ओतप्रोत हो रखा है। ये संगम नगरी का जादू कहें या 1971 की जो हमारी जीत है उसका जादू कहें या हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया है और जो वीरता दिखाई है हमारे देश के युद्ध में, ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसमें किस चीज़ का असर है, शायद मिला जुला असर है। सर, आपका परिचय? मैं हूँ ग्रुप कैप्टन समीर गंगा खेड़कर, डिफेंस PRO प्रयागराज।